अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रजिब सुमरो की जानिब से यूट्यूब पे डिलीवर किया जा रहा है। तमाम नए आने वाले दोस्तों को एक गुजारिश है कि यूट्यूब पे हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी न्यू आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ट्यूब लिया है, ठीक है, ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और बिल्कुल डिस्चार्ज ट्यूब के साइड में यहाँ एनोड लगा हुआ है और यहाँ कैथोड लगा हुआ है। और ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब जो है जिंक सल्फाइड से कोटेड है, जिंक सल्फाइड से बिल्कुल ये कोटेड है। और यहाँ से कैथोड से कुछ रेज जा रहे हैं एनोड तक, तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मिलती है। तो फिर मज़ीद पढ़ते हैं लेक्चर में। और यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप भी लगाया है और ये सारे सिस्टम को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। हाई वोल्टेज बैटरी दिया है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें, अगर इस तरह का क्वेश्चन हर साल सिंध के बोर्ड्स में या डिफरेंट बोर्ड्स में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, अगर इस तरह का सवाल आए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट या क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कहे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो बात एक ही है, भूलने की बात नहीं है, बात एक ही है। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा दे देता हूँ। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन दें, अगर टाइम नहीं है तो इंट्रोडक्शन को छोड़िए। इंट्रोडक्शन में ये कहता है कि जे जे थॉम्सन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, देन एबल टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो मेन किरदार है किसका है, डिस्चार्ज ट्यूब का है। एक्सपेरिमेंट थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि जे जे थॉम्सन टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट, जे जे थॉम्सन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था उसके टू इलेक्ट्रोड से, ये देख रहे हैं हम इनको कहते हैं एनोड या कैथोड, ये हैं इलेक्ट्रोड्स कहते हैं इनको। इस तरह से कैथोड एंड एनोड एंड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द गैस फ्रॉम द ट्यूब, ये जो ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब में से काफ़ी सारी गैस को इसने निकाला था वैक्यूम पंप की मदद से। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इन द ट्यूब बिकम वेरी लो, जब गैस का जो ट्यूब था ना अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस थी वो बिल्कुल उसका प्रेशर लो हो गया था, कितना हुआ था 0.001, ये MCAT में पूछा गया है काफ़ी बार। एंड स्विच ऑन 10,000 वोल्ट बैटरी, प्रेशर कम करने के बाद इन्होंने 10,000 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज स्टार्ट किया था। ऑब्जर्वेशन किया आई थी, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट थॉम्सन ऑब्जर्व दैट सम रेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, प्रेशर कम करने से और हाई वोल्टेज बैटरी देने से यहाँ पे कुछ रेज रिमूव हो रहे थे कैथोड की जानिब से एंड ट्रेवलिंग टुवार्ड्स एनोड, यहाँ से निकल रहे थे एनोड की तरफ आ रहे थे। एंड व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, जब ये ट्यूब की वॉल्स से टकराए तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुई थी। फ्लोरोसेंस मींस एक चमकाट किसकी वजह से होती, जिंक सल्फाइड की वजह से। थॉम्सन नेम्ड दीज रेज कैथोड रेज, ये जो निकले थे रेज कैथोड से एनोड तक, इन्होंने इनको नाम दिया था कैथोड रेज। मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी बात बताता चलूँ, जब ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था तो इन्होंने यहाँ पे प्रेशर जो है ना बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल कम दिया था, जब बैटरी का वोल्टेज कम दिया था तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से प्रेशर गैसेस का रिमूव किया, जैसे प्रेशर लो हो गया तो यहाँ से कुछ रेज निकले थे कैथोड से एनोड की तरफ। एक्सप्लेनेशन पे, तो एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए, ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब देन ही रिमूव्ड सम गैसेस फ्रॉम द ट्यूब सो वी कॉल्ड इट डिस्चार्ज ट्यूब,
गैसेस केम आउट थ्रू वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हमने क्यों लगाया था? वैक्यूम पंप हमने लगाया था ताकि हम गैसेस को बाहर निकाल सकें। एज हॉस्पिटल डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, देन ही स्विच ऑन वोल्टेज बैटरी। उन्होंने क्या किया था, वोल्टेज बैटरी को स्टार्ट किया था, कैथोड कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल। ये जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हुआ था और एनोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया था। एज गैसेस केम आउट प्रेशर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब बिकमिंग लो। एज ही स्विच ऑन बैटरी सम रेडिएशन जनरेट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बिल्कुल यही हुआ था, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से गैसेस का प्रेशर, जैसे गैसेस बाहर निकाली गई तो प्रेशर गैसेस का लो हो गया। लो हो गया तो हमने यहाँ पे 10,000 वोल्ट बैटरी को दिए थे तो कैथोड से एनोड तक एक रेज निकल रहे थे। रेडिएशंस कहें, रेज कहें, जनरेट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रेज नॉर्मली के नॉट सी। यहाँ पे बात एक्चुअली ये थी कि कैथोड रेज को हम देख नहीं सकते थे। यूजुअली डिस्चार्ज ट्यूब इज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। ये जो पूरा डिस्चार्ज ट्यूब था जिंक सल्फाइड से कोटेड था। ग्रे कलर, यानी कि ग्रे कलर शो हो रहा था। सो एज एनी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक ऑन डिस्चार्ज ट्यूब देन शोज फ्लोरोसेंस। जैसे ही कैथोड रेज का कोई भी पार्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब के वाल से टकरा रहा था तो फ्लोरोसेंस शो हो रही थी। फ्लोरोसेंस मीन्स एक चमकार शो हो रही थी। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो रेज थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे थे, मूव कर रहे थे। यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फ्लो कर रहे हैं कैथोड से एनोड। दीज रेज कैन फोकस्ड ऑन अ पॉइंट बाय प्लेसिंग कॉनकेव कैथोड। अगर आपको ये कहता है कि अगर आप कॉनकेव कैथोड लगाते हैं तो इन सभी रेज को एक ही पॉइंट पे कलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ वी मेक कैथोड इज अ कॉनकेव, अगर हम कैथोड को कॉनकेव बनाएं, ये बात यही बस। दीज रेज शार्प शेडो ऑफ देयर इज, दीज रेज प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दियर पाथ। ये एक शेडो भी शो कर रहे थे, बस कॉमन पॉइंट है। दीज रेज पेनीट्रेट इन टू द फॉइल ऑफ द एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम या गोल्ड के फॉइल से ये पेनीट्रेट हो रहे थे। दीज रेज कैन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द थिन फॉइल मेटल प्लेस्ड इन दियर पाथ। दिस शोज दीज रेज पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कैथोड से एनोड तक रेज जा रहे हैं इनको काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि दीज रेज एग्जर्ट मैकेनिकल प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दियर पाथ। दिस शोज दैट रेज पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। एज कैथोड रेज क्रॉस पेंडल। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ पेंडल दिए गए थे। जैसे रेज यहाँ से मूव हो रहे थे तो ये पेंडल भी मूव हो रहे थे। पेंडल की मूव होने की वजह से हमें ये पता चला कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे है। एग्जैक्ट मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर यानी कि जनरेट हुआ था तो ये मूव हो रहे थे, हमें ये पता चला कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। दीज रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस शोज दैट दीज रेज आर नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये कहता है कि दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ से जो रेज निकल रहे थे पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में जनरेट हो रहे थे तो हमें ये पता चला इन पे नेगेटिव चार्ज है। और दीज रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये कहता है कि ये जो यहाँ से जो रेज निकल रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है ये इस पे डज नॉट डिपेंड, इस पे डिपेंड नहीं करता। द चार्ज ऑन दीज रेज, इन रेज पे ये चार्ज होती है और ये इनका मास होता है, और इलेक्ट्रॉन पर मास रेशियो या चार्ज पर मास रेशियो ये होता है, चार्ज पर मास रेशियो इतना होता है। और स्टोनी नेम्ड दीज रेज इलेक्ट्रॉन, दीज पार्टिकल कहें, रेज कहें, फाइनली हम इन रेज को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। ये निकला कि कैथोड से एनोड की तरफ जो रेज निकले हैं हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।